क्या पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक हो चुके हैं या फिर ये एक अफवाह है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये खबर जितना हम लोगों के लिए शॉकिंग है, उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग ये उन लोगों के लिए है जो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के समर्थक हैं। आपको बताते चले कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक हो चुके हैं, और ये जानकारी हमें वीना मानवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मिली है। आपको बता दें, कुछ देर पहले वीना मानवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया था। पोस्ट में पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ पोज दे रहे थे, और साथ ही साथ वीना मानवी भी अपने ग्रुप के साथ पवन सिंह के साथ तस्वीरों में नजर आ रही थी, और कैप्शन भी बहुत ही प्यारा दिया था। वीना मानवी ने लिखा था, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, और साथ ही साथ एक स्टोरी भी लगाई थी जिस पर लिखा था, विकास मंच की फाइनली जीत हुई। जिसका मतलब ये था कि वीना मानवी लंबे समय से पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने की लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई। आपको बताते चले, पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं। अभी इससे ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ना ही तो पवन सिंह की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है और ना ही ज्योति सिंह की तरफ से। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह ने कुछ देर बाद एक स्टोरी जरूर लगाया है, जिस पर उन्होंने बबिता मिश्रा को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि थैंक्स बबिता दीदी फॉर योर एफर्ट्स। अब ये स्टोरी देखने के बाद आप भी ये यकीन कर ही लेंगे कि शायद पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए एक बार अच्छे से आपको बारी बारी से एक एक चीज बता देते हैं। हुआ ये था कि लंबे समय से पवन सिंह और ज्योति सिंह में दरार था, दोनों के रिश्ते टूटने के कगार पे थे, तलाक का मुद्दा कोर्ट में लगातार चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी था। कभी पवन सिंह ज्योति सिंह पर इल्जाम लगाते तो कभी ज्योति सिंह पवन सिंह पर इल्जाम लगाते। सिर्फ इतना ही नहीं, मियां बीबी का तकरार जनता के चर्चा का विषय बन गया था। धीरे धीरे ये मामला महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी के पास पहुंचा। वीना मानवी ने भी ये तय कर लिया कि हम पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करके रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हर प्रयास में विफल नजर आए। लेकिन अब जाकर वीना मानवी के प्रयासों की जीत हुई है, उनके विचारों की जीत हुई है, उनके प्रयत्न की जीत हुई है। वीना मानवी पवन और ज्योति को एक करने में सक्षम हुई हैं। एक बार फिर से वीना मानवी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, एक बार ऐसे ही बहुचर्चित मामला था ज्योति मौर्य का, लेकिन वीना मानवी ने भी उसमें भी सुलह करा दिया था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उसमें सुलह हो पाएगी, लेकिन फिर भी वीना मानवी वहां पर विजयी हुई, और यहां पर भी ठीक वैसा ही हुआ। किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि पवन और ज्योति एक हो पाएंगे, क्योंकि दोनों में इतना तू-तू मैं-मैं हो चुका था, वो भी सामाजिक तौर पर। लेकिन फिर भी वीना मानवी सक्षम हुई हैं उन लोगों को एक करने में। अब बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक शायद नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें और पोस्ट सामने आई हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि पवन और ज्योति में सब कुछ ठीक हो गया है और दोनों अब एक साथ रहेंगे और जल्द ही तलाक की अर्जी को खारिज कर देंगे, और फिर वो होगा जिसका लोगों को इंतजार था। पवन सिंह निजी जिंदगी जिएंगे, पवन सिंह का भी एक परिवार होगा, एक पत्नी होगी, उनकी भी बच्चे होंगे, उनके भी घर में किलकारियां गूंजेगी। इस पल का नन्हे पावर स्टार के आने का सभी लोग को इंतजार था। हो सकता है कि अब ये पल जल्द ही आ जाए। आपको बता दें कि पवन सिंह चुनाव की ओर रुख कर रहे हैं और वो जल्द ही नायक गायक से जननायक बनने के लिए अग्रसर है। आपको इस खबर पर जो कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।